अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ रियाद के अंदर, अल सुवैदी पार्क है एक, उसमें ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है यहाँ पे पाकिस्तानी एक फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, पहले वीक में इंडियंस का हुआ, उसके बाद पाकिस्तानियों का जो ये सिलसिला है वो चल रहा है। ये अभी अल सुवैदी पार्क आप लोग देख सकते हो, अभी चलते हैं इसके अंदर। इसकी टिकट का सीन कुछ इस तरह का कि ये टिकट जो है ना आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है, जो कि मैंने कर लिया 4-5 दिन पहले। तो अभी बस टिकट स्कैन करते हैं और चलते हैं इसके अंदर। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी चलते हैं इसके अंदर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं आज इसके अंदर क्या क्या शुगल मेला हो रहा है। पाकिस्तानी सिंगर भी आए हुए हैं यहाँ पर। पहले यार मैं जैकेट लेके आ गया था, यहाँ पे सर्दी हो रही है, मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? हाँ जी, केड़े इलाके दे हो भाई लोग? सबसे मज़े की जो बात है, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिलेंगे। और इस तरफ आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो पाकिस्तान के अंदर रिक्शे चलते हैं, ऑटो वगैरह चलते हैं, ये खड़े हैं जी, दो उन्होंने सजा के रखे हुए हैं। और यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ें हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे भी देखने को जो है ना वो मिलेंगी। जो जो चीज़ मुझे स्पेशल लगेगी मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगा। Thank you।
आसिफ निमरान। रियाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम कल मिलेंगे। अब कल शुरू से दोबारा से स्टार्ट करेंगे कल। ओके हाँ हाँ, जोरदार से ताली होनी चाहिए हमारे लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कल के लिए रख लेते हैं, बट थैंक यू सो मच एवरीवन, और खास तौर पे रियाद सीजन का बहुत बहुत शुक्रिया। yes. और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। मैंने सोचा नहीं था कि मैं रियाद भी आऊँगा परफॉर्म करने के लिए, और अपने लिए ज़रा ज़ोरदार ताली हो जाए। आप इतने अच्छे लोग हैं, इतने अमेजिंग लोग हैं। अभी भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, आपसे आप हमसे ज्यादा आपसे सुनेंगे ऑडियंस। आपने बोलना है रियाद सीजन, वो बोलेंगे बिग टाइम आखिरी बार, क्योंकि ये डायलॉग है रियाद सीजन का। रेडी है आप लोग? आपने बिग टाइम बोला। हां ओके, अगर बिग टाइम हो तो स्लीप टाइम आएगा। हां रियाद सीजन, टेम्पो में ऐसे 1 2 3 रियाद सीजन, रियाद सीजन, रियाद सीजन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, टेक केयर, कल मिलेंगे। भाई और दोस्तों और बहनों, मूव कर जाए, आपके पीछे ही एग्जिट डोर है। احبا الكرام، هنا انتهت فقرات وفعاليات الليله، غدا ان شاء الله تعالى نستقبلكم الساعه 4 عصرا چار بجے دروازے کھلیں گے سعودی پارک کے آپ کے لیے، اور آپ کو ویلکم کریں گے اگین۔ اذا شكرا لكم ولحضوركم الكريم، نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بفعاليات and have a pleasant journey. Dear visitors, we would like to inform you that the park gates will be closed at 12 a.m. We kindly request you to proceed to the exit gates now. Stay safe and have a pleasant journey. तो व्यूवर्स, यहीं पे शो जो है वो आज का ख़त्म हो रहा है। मुझे ये था कि आज फुल नाइट जो है वो सीन चलेगा यहाँ पे, लेकिन इसका टाइम का कुछ पता नहीं था। टाइम जो है इसका 4 बजे से 12 बजे तक था, इस वजह से हमें बहुत कुछ मिस करना पड़ा। पहले एक सिंगर थी, उसको हमने मिस किया, बाद में नबील चोकर साहब को हमने देखा। सो ये था आज का सोएदी पार्क के अंदर जो आज का फेस्टिवल था। कल भी है, परसों भी है, में भी के 2-3 दिन अभी और चले, लेकिन फिल वक्त हम लोग जा रहे हैं वापसी के लिए। तो ये था आज का छोटा सा मिनी व्लॉग। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।